अमेरिका सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान फॉर अ पोटेंशियल अटैक ऑन चाइना। तू तो गया बेटे। यक जान दो कालिब थे, आज वही एक दूसरे की जान के तालिब हैं। चाइना की भी टांगे कांप रही है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर से न्यूक्लियर स्ट्राइक की सीधा सीधा वार्निंग आ चुकी है। तो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे? नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। क्या चीन समझता है कि हम हर वाकया को प्रिवेंट कर सकते हैं, हर चीज को हम वी कैन डू इट? अज साहब ने ये बात 16 आने दुरुस्त कही थी। सियासत में जो कल के महबूब आज के मातूब देखे। जो बाइडेन ने जाते जाते गुड बाय बोला है चाइना को, रशिया को और इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया को। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। Could the two rival superpowers go to war? कि अगर इन दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई तो अल्टीमेटली की फायदा इंडिया को होगी। कोई शक? ये तो कंप्लीट फंडेड बाय इंडिया। इंडिया और अमेरिका जो है वो आपस में अब गठजोड़ वो कर रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल मुल्क को किस जानेब, किस संत लेकर जाएगी? मैं तो कहूँगा कि क्या पता वो मुल्लबिस हैं इसमें। अबे साले, ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ये हमें लड़ना पड़ेगा चीन के साथ। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल। जो कल हरीफ थे वो हलीफ हो गए। जिन पर कल सदके वारी जाता था, जिनकी बलाएं ली जाती थीं, आज उन पर बला बनकर नाजिल हुआ जाता है। मगर अगर चीन नहीं लड़ना चाहता या रिस्क नहीं लेना चाहता तो दैट्स अप टू देम। और अगर दुनिया की टॉप इकोनॉमीज आपस में लड़ पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं छोटी इकोनॉमीज को इसका फायदा हो जाएगा। अब अगर छोटे मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, जब दो सांड लड़ते हैं ना तो तबाही खेत की होती है। जरा सोचिए, समझ रहे हो अकल है कि नहीं है कि छोटे मुल्कों को फायदा हो जाएगा? अबे छोटे मुल्क तो पहले ही तबाह और बर्बाद है, वो और तबाही के दहाने पे चले जाएंगे। यही बात है। पता नहीं ये पाकिस्तानी खाते क्या है, इनकी बुद्धि चलती नहीं है। भैंसा खाका के भैंसे जैसी मोटी बुद्धि हो गई है इनकी। वाह भाई वाह। और बकरे खाका के बकरे की तरह मीनी आते रहते हैं, बेफजूल की बेकार की बातें करते रहते हैं। खैर आज टॉपिक पे आते हैं और मैं बताता हूँ, अमेरिका ने अपनी एक नई पॉलिसी के बारे में दुनिया को बताया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा वो है नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया। अमेरिका शुरू से ही तानाशाह बना रहा है और जब देखो अपनी तानाशाही जाहिर करता रहता है। मैं जानता हूँ, इस बार भी उसने वही किया। अमेरिका ने ऐसा कहा है कि जब भी हमें ऐसा लगेगा कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया में से अगर कोई भी हम पे परमाणु हमला कर सकता है, या हमको थोड़ा सा डर भी लगा, या हमको ऐसी कोई भी निशानदेही नजर आई, तो हम इन तीनों मुल्कों पे परमाणु अटैक कर देंगे। और ये टॉप सीक्रेट मीटिंग थी, क्या वो साइन होंगे जिनके ऊपर ये अटैक किया जाएगा ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो टॉप सीक्रेट की जो मेन खबर थी वो दुनिया के सामने पब्लिक कर दी गई। भारत को फायदा होगा नुकसान होगा ये तो आने वाले समय की बात है। कुछ लोग कह रहे फायदा होगा, कुछ लोग कह रहे नुकसान होगा। तो वो एक कहावत भी है ना, बताइए किट्टू राव साहिबा, जरा सुनिए कि भैंस ब्याए और पाड़े की फटे। तो यही हाल इन पाकिस्तानियों का हो रहा है। अगर लड़ाई होगी भी तो दो सांडों के बीच में होगी, लेकिन इन पाकिस्तानियों को पता नहीं तो ज्यादा खतरा इन्हीं के ऊपर आएगा। क्योंकि अगर इनको किसी ने बचा रखा है ना तो चाइना ने बचा रखा है, और चाइना के ही सत्यानाश हो जाएगा तो पाकिस्तानियों तुम्हारा क्या होगा बताओ? अब ये जानने के लिए तो हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। आपको नहीं लगता कि जो बाइडेन ने चाइना पर अपनी जाते जाते सारी भड़ास निकाल दी है? भड़ास तो हम भी निकाल लेते हैं इंडिया पे? बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। आजकल दुनिया काफी चेंज हो गई है, 2024 का दौर चल रहा है, तो ये चीजें काफी सिंपल है और भड़ास निकालने का कोई फायदा नहीं है। अब आए ना लाइन पे। और अगर हम बात करें दुनिया की जितनी भी सुपर पावर कंट्रीज है, डिफरेंट वर्ल्ड की जो है समिट में बैठते हैं या डिफरेंट फोरम पे जाते, कहते हैं पीस प्रमोट करते हैं, दुनिया को पीस का पैगाम देते हैं, और जिसके साथ खारबाजी हो उसको सीधा कहते हैं भाई तुझे तो ठोकेंगे पहली फुर्सत में। आजकल दुनिया में ये चल रहा है कि जिसके पास ज्यादा पावर हो उसकी चलती है पावर, वेपन वाली पावर ना कि डॉलर वाली पावर, डॉलर की पावर। क्योंकि इकोनॉमी काफी आजकल ग्रोथ कर रही है, जिसके पास ज्यादा पावर हो इकोनॉमी हो उसकी चल रही है। वेपन की पावर की बातें जो है वो आजकल खत्म हो गई है, क्योंकि 24 का जमाना चला। तो हम कब निकलेंगे ये एटम बम और बटन से? हम तो दुनिया से 100 साल या 200 साल पीछे हैं, ये जस्ट बातें चल रही हैं और तो कुछ। अच्छा अगर लेट्स सपोज, जैसे आपने कहा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए दुनिया में तीन ही सुपर पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना एंड तीसरी बनने वाली इंडिया। ठीक हो गया। इंडिया को फ्यूचर में आप कितना ग्रो होता देख रहे हैं? और अगर इस तरह हर तरफ जंगे होती है, जैसे रशिया यूक्रेन लड़े हैं, इसराइल फलस्तीन लड़े हैं, अमेरिका और चाइना के आपस में भी नहीं बनती, इंडिया और चाइना की भी नहीं बनती, तो इंडिया इसमें कितना फायदा उठाएगा? अगर एशिया में आप देख ले तो इस वक्त इंडिया एक एशियन टाइगर है। एशियन टाइगर इंडिया, आप मानते हैं इस बात को? मैं इसको ओपनली मानता हूँ। इंडिया जो है वो इस वक्त
जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है उसमें इंडिया एशियन टाइगर है। अच्छा? और काफी आगे रन कर रहे हैं। इंडिया में अगर मोदी की गवर्नमेंट ना होती, इसकी जगह अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती तो शायद IMF की लाइन में होते, तो खैर है इंडिया शायद आगे और भी तरक्की कर ले। पाकिस्तानी रह गए ना, तो पाकिस्तानियों का दिल तो हमेशा कांग्रेस के लिए धड़कता ही है। और ये क्या अकेला पाकिस्तानी ऐसा है जो सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोल रहा है? पाकिस्तान मीडिया की नंबर वन एंकर फिजा खलीफा यानी कि फिजा अकबर खान, वो तक राहुल गांधी को सपोर्ट करती है। राहुल गांधी के तो प्यार में गिरी हुई है भाई साहब। राहुल गांधी अगर एक इशारा कर दे तो फिजा खलीफा तो लेट जाए। सुनिए आप भी। मैं राहुल गांधी को मुखातिब करके आज कहती हूँ कि राहुल गांधी जी, आपको डॉक्टर फिजा खान का सलाम है, क्योंकि जो भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेगा उन पर दुरूद भेजेगा, वो मेरे नजदीक खिराज तहसीन का मुस्तहिक है। और आज भारतीय लोकसभा में राहुल यही सब कुछ करके मोदी सरकार को आग लगा दी। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी की फिजा खान से शादी करा देनी चाहिए, समझ रहे हो, और इन दोनों को हनीमून पे चाइना भेज देना चाहिए, और इनके बच्चे नॉर्थ कोरिया में होने चाहिए, और इन दोनों बच्चों की परवरिश पाकिस्तान आर्मी के जो जिहादी कैंप चलते हैं ना POK के अंदर, वहाँ पे होनी चाहिए। यस यार, यू आर राइट। ताकि इन दोनों के बच्चे बन जाए सुसाइड बॉम्बर और हिंदुस्तान की आर्मी उन्हें देखते बेहतर उनों के पास भिजवा दे बिना टिकट के। क्यों फिजा खलीफा, कैसा आइडिया? और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप भी बता सकते हैं, नया आइडिया भी दे सकते हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कुछ पीसफुल पार्टीज आए और इंडिया में, तो इंशाल्लाह हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। और मैं इंडिया को एक दुश्मन नहीं समझता, मैं चाहता हूँ समझना भी नहीं चाहिए भाई, पड़ोसियों को क्यों दुश्मन समझे। क्योंकि अगर आप अमेरिका को देखे, आप फ्रांस को देखे, आप इंग्लैंड को देखे, आप चाइना को देखे, आप रशिया को देखे, यूरोप के अंदर की लड़ाइयां देख ले, आप किसी भी स्टेट को देखे, सारे बड़े कंट्रीज हैं वो अपने अपने दुश्मनों, अपने नाइबर को दुश्मन नहीं समझते। एक पाकिस्तान है, एक तरफ हमने अफगानिस्तान को दुश्मन बनाया है तो दूसरे तरफ ईरान को बनाया है, एक तरफ इंडिया को बनाया है, हर तरफ से हमने खुद के लिए मसले खड़े किए हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि पाकिस्तान में अगर लेफ्टिस्ट साइड आ जाए, सेंटर पे शायद पीपल पार्टी और साथ में कुछ और पार्टीज आ जाए, और इंडिया में पीपल पार्टी आ जाए तो उधर कांग्रेस आ जाए। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि इंडिया में भी कांग्रेस आ जाए इस तरफ से, ताकि वापस हिंदुस्तान में हर जगह बम धमाकों की खबरें आने लग जाए, सुनते जाइए, ताकि आए दिन अखबारों के अंदर रोज नए स्कैंडल आने लग जाए, सुनते जाइए, आए दिन अखबारों में भ्रष्टाचार की खबरें आती रहे, सुनते जाइए, आए दिन बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती रहे, सुनते जाइए, आए दिन मुस्लिम तुष्टिकरण की खबरें आती रहे, सुनते जाइए, आए दिन हिंदुओं को प्रताड़ित करने की खबरें आती रहे, सुनते जाइए। तो भैया ये तो पाकिस्तानी चाहते ही यही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। और जो हिंदुस्तान में बसने वाले लोग हैं उनके कुछ लोगों के दिलों में भी पाकिस्तान धड़कता है, वो भी यही चाहते हैं। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी इन पाकिस्तानियों को फेटा लगाइए, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।